हाय गाइस, यार बहुत अच्छा लगा मुझे जो वीडियो मैंने देखा कैबिन क्रू का। जो मैंने मेरी वीडियो बनाया था कतर एयरवेज का, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो फाइनली यार मैंने सोचा कि अभी ने जो नेक्स्ट आने वाला है एयर एशिया का, तो एयर एशिया का इंटरव्यू देने में जाऊंगा। मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 9 फेब को जो इंटरव्यू है उसमें मैं अटेंड करूँ, एंड उसमें भी जो है आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है उस इंटरव्यू में। एंड वो भी जो है सेम टू सेम लाइव होगा, वीडियो जो होगा वहाँ पर वही दिखाऊंगा और वही बताऊंगा आपको। एंड सेम अगेन मैं बोलूँगा यार, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जब तक मेरी जो है कैबिन क्रू की जॉब नहीं लगती तब तक आते रहेंगे। आने के बाद भी मैं बनाऊंगा, वैसे तो मतलब A to Z जो हुआ है वो लाइव रिकॉर्डिंग करके हमें भी दिखाओ यार, क्या हुआ है हमें तो पता लगेगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे मिलेगा लाइव, ठीक है? सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं अहमदाबाद में मतलब मैं अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा 8th को। अगर आप लोग कोई अहमदाबाद से है एंड एयर एशिया के इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे जो है आप DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो है आप स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा मेरा ID, एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड जो आई बटन में आप जाकर देख सकते हो जो मैंने कतर के लिए जो लाइव इंटरव्यू मैंने दिया है, जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जनवरी में जो इंटरव्यू दिया था तो उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया आप लोगों का, तो मैंने इसलिए मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ कैबिन क्रू के लिए। तो इसीलिए मैं जो है नेक्स्ट जो लाइव आप लोगों के साथ मैं करूँगा वो होगा मेरा एयर एशिया के लिए जो आने वाला है अभी नेक्स्ट 9th ऑफ फेब को। 9th फेब को जो आएगा उसमें अहमदाबाद के लिए है, तो मैं यहाँ से दिल्ली से जाऊँगा अहमदाबाद सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। आप लोगों को बता दो, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, एंड मैं कवर भी करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हुआ है। जैसे मैं एंट्री करता हूँ एंट्री से एग्जिट तक आपको वीडियो मिलेगा पूरा का पूरा। हाँ, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत सपोर्ट किया, उसमें लाइक किया, कमेंट किया, हर एक कमेंट में चेक करता हूँ, हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया वहां पर। हाँ जी, तो आप लोगों ने यार सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड शेयर करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। एंड मैं लाइव जो है आप लोगों को कवर करूंगा, जब तक मैं कवर करूंगा, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती है इन फ्यूचर, तब तक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड हाँ, लाइव एक्सपीरियंस कोई नहीं देगा यहाँ पर, यूट्यूब पर लाइव एक्सपीरियंस कोई नहीं देगा, लेकिन मैं दूंगा बिना घबराए, जो हो रहा है मेरे साथ सब बोलूंगा मैं, चाहे वो कुछ भी हो A to Z में आप लोगों के साथ कवर करूंगा। एंड हाँ, फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी जो है एयर एशिया का जो इंटरव्यू होगा वो आप लोगों को बता दूं कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेशर्स दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे जो है मैक्सिमम कोई एज नहीं है, एंड आपको 12th पास होना तो ज़रूरी है ही, आप लोगों को पता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बता दूंगा फॉर्म फिल करने का जो है वो आप लोगों को दे दूंगा। हाँ, मुझे पता है यार, वो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, अभी कुछ टाइम भी नहीं बचा ज़्यादातर, तो मेरा मतलब आज ही मैंने अप्लाई किया है, आज ही मैंने किया। एक्चुअली मैं आने वाला नहीं था, जाने वाला नहीं था, मुझे कुछ और काम था, बट मैंने क्या सोचा यार कि चला जाता हूँ इंटरव्यू दे देता हूँ, क्या पता लक क्या है, अपना लक भी चमक जाए कभी। तो फाइनली मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ कि जैसे कि एयर एशिया जो है एक इंटरनेशनल है ये भी, तो इसमें जो है आप लोगों को हिंदी हिंदी तो मैंडेटरी नहीं होता है इतना, पर हाँ एयर एशिया के काफ़ी जो फ्लाइट से जो कि इंडिया में फ्लाई करते हैं, तो आप लोगों को हिंदी भी आना ज़रूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इंग्लिश तो आप लोगों को मैंडेटरी है ही, आप लोगों को आना ही चाहिए, जो कि कॉन्फिडेंसली आप लोग जितना फेस कर सकते हो उतना अच्छा है। आप इंटरव्यू जब तक दोगे नहीं यार तब तक आएगा ही नहीं। तो फाइनली मैं यहाँ से, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ से निकलूंगा 7th को, एंड 8th ऑफ फेब को तो मैं पहुँच जाऊँगा, एंड 9th to 11th होगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं है टाइमिंग्स इतना, 9 से है इतना मुझे पता है, तो मुझे 1 घंटे पहले वहाँ पर रहना है। तो आप लोग अगर कोई आ रहा है अहमदाबाद से तो मोस्ट वेलकम, मिलते हैं फिर वहीं पर। तो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बता दूं एयर एशिया के लिए जो आप लोगों को हेल्प हो जाए।
सबसे पहले तो आप फॉर्म फिलअप कर दो। फॉर्म फिलअप करने के लिए पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग पूछते हो कि पासपोर्ट चाहिए, मेरे पास नहीं है, अप्लाई नहीं किया है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी कर दूँ ना करूँ, पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है। तो क्योंकि वहाँ पे ना पासपोर्ट पूछता है आप लोगों से, एंड जो क्राइटेरिया होता है, जो हाइट जो होता है बॉयज़ के लिए, तो 173 सेंटीमीटर है, तो 173 सेंटीमीटर आप लोग नहीं हो तो वहाँ पे यार, फिर आप लोग अगर हो भी जाते हो, अगर वो लोग चेक भी नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर जैसे कि आप थर्ड राउंड में चले जाते हो, उस फोर्थ राउंड में चले जाते हो, जैसे कि मेडिकल होता है, बहुत कुछ होता है, तो वहाँ पे यार रिजेक्ट कर ही देते हो लोग फिर चेक करके, मतलब 1-2 सेंटीमीटर भी नहीं चलता फिर यहाँ पे। BMI तो मैं तो चलो चल जाता है, क्योंकि मोटा पतला तो हम कैसे भी अपना कर सकते हैं, हमारे पास टाइम होता है 15 दिन, तो वर्कआउट करके, तो जिम जाके वर्कआउट करके हम अपना जो है BMI कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाइट तो नहीं बढ़ा सकते ना, ये दिक्कत होती है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को और क्या बताना मुझे, हाँ आप लोगों को क्राइटेरिया बता दूँ क्या क्या जो है फॉर्म में भरना होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है ईमेल ID आप भरेंगे, उसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स में भरेंगे अपना घर का एड्रेस, उसके बाद वेन्यू डेट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अहमदाबाद, एंड इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, एंड मेल जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, एंड हाँ अपना हाइट एंड एज यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड एज वेल एज आपका जो पासपोर्ट ID है या नेशनल ID है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पासपोर्ट ID जो है वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो आप पासपोर्ट ID यहाँ पे करेंगे, एंड नेशनलिटी इंडियन, एंड उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और किस कंट्री में आप बेस्ड हो, अभी कहाँ हो, तो आप अगर इंडिया में हो इंडिया लिख सकते हैं, या कहीं और हो तो कहीं और लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एम्प्लॉयड हो ऑलरेडी एंड एम्प्लॉय ID आपके पास है, अगर एयरएशिया ग्रुप में आपने काम किया हुआ है, तो एम्प्लॉयड ID जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे आप, तो उसके बाद यहाँ पे जो है बस इतना ही है। सोर्स तो यार आप सेलेक्ट कर लो कि सर्च इंजन से मैंने ये जो सोर्स है कहाँ से आप लोगों को मिला इन्फॉर्मेशन आप लोग बता सकते हो, और यहाँ पे जो है लेटेस्ट फोटो जो है आप पूछेंगे यहाँ पे, एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप एग्री करोगे, उसके बाद जो है बस सबमिट मार दोगे, उसके बाद आपके पास एक इनबॉक्स में एक मैसेज आएगा, उसमें आपका जो है एक ID होगा, तो वो ID जो है आपको एंट्री दिलाएगा इसमें, तो इस ID के साथ आप लोगों को आना है। एंड हाँ लेटेस्ट अपना जो है लेटेस्ट एक CV बना लेना, एंड CV में जो है मस्ट होना चाहिए आपका फोटोग्राफ, फोटोग्राफ मस्ट होना चाहिए, तो एक अटेंशन अच्छा मिलता है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है लास्ट टाइम में। लेकिन हाँ एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को यार, कोई भी कुछ भी बोलो आप लोगों को, मतलब कितने भी नेगेटिव कर दे, क्योंकि मैंने भी यार काफ़ी लोगों से मैंने बात किया जो है ऑलरेडी जो है कैबिन क्रू है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है कहते हैं यार ये जॉब अच्छी नहीं है, क्यों आ रहे हो इसमें, हाँ ये है भाई अच्छी नहीं है तो तू क्यों है, तू क्यों है, तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है कुछ तो शेयर करो, नहीं करते भाई, नहीं करते, चाहते नहीं है वो लोग आए हम लोग, तो यार फाइनली आप लोगों को बेस्ट देना है, अपनों को बेस्ट देना है बस, चाहे होना ना होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ किस्मत जरूर होता है, किस्मत उन्हीं के साथ देता है जो बेस्ट देते हैं, बस आप बेस्ट दो, किसी का नकल करने की जरूरत नहीं है, किसी की कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो है आप अपने तरीके से अगर आप बेस्ट देते हो तो आप हो सकते हो सिलेक्शन, तो मेरा तो यही कहना है। एंड हाँ जाते जाते एक बात बता दूं यार, सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर लो, कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ बताओ कि क्या क्या मतलब आप लोगों को क्या क्या मतलब कुछ शेयर करनी है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस शेयर करो मुझे कमेंट करके। एंड हाँ काफ़ी सारे लोग देखते हैं आपके कमेंट, मैं भी पढ़ता हूँ पर्सनली, मैं भी रिप्लाई करूँगा, और मुझे जो चीज़ नहीं पता होगी आप लोगों से सीखने को मिलेगा मुझे, एंड आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हो, मैं मतलब जो वीडियोस में वगैरह जो दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने, तो शेयर करना उन लोगों के साथ, शेयर करना जो अहमदाबाद जो ना आने के लिए भी चाहते हैं, तो ये वीडियो देखे मोटिवेट हो जाए और आना चाहते, सारे के सारे वहां पे मिलेंगे, क्योंकि एयर एशिया ने काफी दिनों बाद जो है एक अच्छा कैबिन क्रू का मौका दिया है, वो भी फ्रेशर्स के लिए, तो गाइस भूलना मत ये पूरा वीडियो देखो, एंड हाँ लाइक सब्सक्राइब पहले ही कर लो, मैं ये बोलता हूँ, हाँ
एंड थैंक यू सो मच. मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग जो है सिलेक्शन हो जाए. एंड हाँ, अगर आप आना चाहते हो, अगर मुझे मैसेज करना चाहते हो, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हो, अर्जुन मलिक, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. एंड हाँ, स्क्रीन पे भी आता रहेगा अर्जुन मलिक का, तो आई बटन में जाके ज़रूर देखना जो कैबिन क्रू, अगर आपने नहीं देखा है लाइव, जो विस्तारा के लिए भी मैंने किया हुआ है एक्चुअली, उसके बाद मैंने कैबिन क्रू अभी अभी लेटेस्ट मैंने जो किया हुआ है वो कतर के लिए, तो ये भी आप लाइव देखना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लाइव एंड एज वेल एज आई बटन में भी मिल जाएगा आपको. एंड थैंक यू सो मच. जाते जाते गुड लक फॉर योर इंटरव्यू. एंड हाँ, मिलते हैं अहमदाबाद में नेक्स्ट. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.